नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपकी जिज्ञासा के लिए हमने पिछली बार जो है एक वीडियो डाला था कि ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जाधारी से संबंधित विधिक प्रावधान क्या है। तो मित्रों, आज जो है हम समझेंगे कि ग्राम पंचायत की भूमि पर जो अवैध कब्जाधारी है या जिसने उसको क्षति पहुंचाई है, तो उससे संबंधित प्रक्रिया क्या है, कि कैसे नोटिस दी जाती है और इसकी प्रक्रिया कहाँ पे वर्णित है। तो मित्रों, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 66 को। पिछले वीडियो को देखना जरूरी है आपके लिए, ताकि ये वाला वीडियो आप समझ सकें कि उसके प्रावधान क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो आज हम प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, देखेंगे कि 2016 की जो नियमावली है उसकी नियम 66 में है कि सहायक कलेक्टर को सूचना, यानी अगर कोई क्षति पहुंचाया, कोई कब्जाधारी है, तो उसको सूचना दी जाएगी। तो देखेंगे कि सूचना कौन देगा। धारा 67 फर्स्ट के अंतर्गत वांछित सूचना संबंधित भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य या सचिव या स्थानीय प्राधिकारी के किसी अधिकारी द्वारा आरसी प्रपत्र 19 में सहायक कलेक्टर को दी जाएगी कि कोई कब्जाधारी या किसी ने क्षति पहुंचाई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो आरसी प्रपत्र 19 में दी जाएगी। फिर नियम 67 के अनुसार सहायक कलेक्टर द्वारा अग्रतर जांच, यानी वो जांच करेंगे। नियम 66 के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने या अन्यथा उसकी जानकारी में आने पर सहायक कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जैसी वह उचित समझे और निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में अग्रतर सूचना प्राप्त कर सकेगा कि संपत्ति को अवैध अध्यासन या दुर्विनियोजन से हुई क्षति का विवरण, जिसमें गांव, खाता संख्या, क्षेत्रफल, चौहद्दी और उक्त क्षति या दुर्विनियोजित की गई संपत्ति का बाजारी मूल्य, इसकी वो जांच करेंगे कि उसकी चौहद्दी क्या है, उसका बाजार मूल्य क्या है, कितनी क्षति हुई, इसका निर्धारण करेंगे। फिर ऐसे दुर्विनियोजन या अवैध अध्यासन से संपत्ति को पहुंची क्षति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम और पूरा पता, अवैध अध्यासन की अवधि यानी कितने दिन से वो उस पे काबिज है, क्षति या दुर्विनियोजन और सम्मिलित भूखंडों की भूमि की श्रेणी क्या है, कि वो सार्वजनिक भूमि है या बंजर है या परती है, संपत्ति जिसे क्षति पहुंचाई गई या दुर्विनियोजित की गई उसका कलेक्टर द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय मूल्य पर अगणित मूल्य और नुकसानी की रकम जिसकी वसूली की मांग की गई है, इसका जांच करेगा। तत्पश्चात सहायक कलेक्टर धारा 67(2) के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने हेतु संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आरसी प्रपत्र 20 में कारण बताओ सूचना जारी करेगा, यानी आरसी प्रपत्र 19 में सूचना प्राप्त करेगा और संबंधित व्यक्ति को आरसी प्रपत्र 20 में कारण बताओ सूचना जारी करेगा कि क्षति दुर्विनियोजन या अवैध अध्यासन के लिए सूचना में भी निर्दिष्ट की गई रकम से अनधिक रकम की वसूली उससे क्यों ना की जाए और ऐसी भूमि से बेदखल क्यों ना कर दिया जाए। यदि धारा 67(2) के विनिर्दिष्ट सूचना का अनुपालन नहीं किया जाता या संबंधित व्यक्ति द्वारा दर्शाया गया कारण पर्याप्त नहीं पाया जाता है, तो सहायक कलेक्टर आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को आवश्यक बल का प्रयोग कर बेदखल किया जाए या सहायक कलेक्टर द्वारा अवैध अध्यासन या क्षति के कारण आदेशित की गई क्षतिपूर्ति उपनियम 3 में उल्लेखित व्यय की रकम सहित यदि निर्दिष्ट समय में अदा नहीं की गई तो भू राजस्व के बकाए की भांति वसूल की जाए। तो मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले आरसी प्रपत्र 19 में सहायक कलेक्टर सूचना प्राप्त करेगा, फिर कारण बताओ नोटिस संबंधित व्यक्ति को देगा, वो अपने कारण उसमें लिखेगा कि हम कैसे काबिज हैं या किस तरीके से हैं, क्या हमारा उस पर अधिकार है, क्या हमारा उस पर स्वत्व है। यदि भूमि पर अवैध रूप से अभ्यासित व्यक्ति ने उसमें खेती की है तो उसे फसल की कटाई करने तक उसके अध्यासन में बने रहने की इजाजत दी जा सकती है।
बशर्ते कि वह क्षेत्र मूल्य के अनुसार अगणित उस भूमि के बाजार मूल्य के 5% के बराबर रकम जमा कर देता है, जो कि समेकित गांव निधि में या ग्राम पंचायत से भिन्न स्थानीय प्राधिकारी जैसी भी स्थित हो के निधि में जाएगी। यदि संबंधित व्यक्ति आरसी प्रपत्र 20 की सूचना में दी गई अवधि के अंदर उपरोक्त रकम का भुगतान नहीं करता है तो भूमि का फसल सहित कब्जा भूमि प्रबंधक समिति या स्थानीय प्राधिकारी जैसी भी स्थित हो को दिया जाएगा। परंतु ये कि जहां ऐसा व्यक्ति उसी भूमि पर या ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकारी जैसी भी स्थित हो की अधिकारिता के अंतर्गत किसी अन्य भूमि पर फिर से अगर कब्जा कर लेता है वहां उसे तुरंत बेदखल कर दिया जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है आरसी प्रपत्र 19 में सूचना प्राप्त होगी, फिर 20 में जो है कारण बताओ नोटिस होगा, उसका जवाब देना पड़ेगा कि हम किस तरीके से वो किस लिए जो है उस पे बने हुए, हमारा अधिकार क्या है। और यदि आप इससे संतुष्ट नहीं हो तो जैसा कि धारा 67 में प्रावधानित किया कि आप उसका आगे भी जा सकते हो। अब नियम 66 और 67 की कोई बात किसी ऐसे मामले जिसके लिए संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कोई आदेश पारित किया गया के संबंध में तत्समय विधि के अनुसार सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय में किसी व्यक्ति को अपना अधिकार सत्य या हित साबित करने से वर्जित नहीं करेगी। यानी अगर धारा 67 की कार्रवाई हो जाती है तो अगर आपका जमीन पर अधिकार है तो आप उसको न्यायालय में दाखिल कर सकते हो, सिविल कोर्ट में, या उस पे जो है अधिकार के लिए दावा एसडीएम कोर्ट में लगा सकते हो। तो उससे ये वर्जित नहीं करेगा कि एक बार कार्रवाई हो गई तो हम अपना अधिकार स्थापित उस पर नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हमने जो है विधिक प्रक्रिया समझी, धारा 67 से संबंधित जो अवैध कब्जेधारी हैं या जो क्षति दुर्योजन के लिए नोटिस उनको जारी की जाती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।